अनिल कपूर की इस ग्रैंड एंट्री को देखकर आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये प्रमोशनल इवेंट अनिल कपूर की किस फिल्म का है। सही और गलत के बीच फैसला करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है सही और सच के बीच फैसला करना। आज मेरे सामने 24 घंटे का एक लंबा दिन है। मुझे तय करना है कि मैं अपने परिवार के लिए लड़ूं या अपने देश की सुरक्षा के लिए, और मैंने फैसला किया कि अगले 24 घंटे मैं दोनों के लिए लड़ूंगा। Well, अगर आप भी इस ग्रैंड इवेंट को देखकर ऐसा सोच रहे हैं कि ये किस फिल्म का प्रमोशनल इवेंट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये प्रमोशनल इवेंट रखा गया अनिल कपूर की अपकमिंग टेलीविजन शो 24 को प्रमोट करने के लिए। इस शो पर अनिल पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं और अब फाइनली वो मौका आ गया है जब ऑडियंसेस अनिल की इस मेहनत को टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे। अनिल कपूर यूजुअली बहुत काम, कूल और फनी मूड में रहते हैं, लेकिन इस इवेंट पर अनिल नजर आए काफी गंभीर मूड में। ऐसे में मीडिया ने अनिल से उनके इस न्यू अवतार के बारे में सवाल पूछ लिया। Peaks in my career, I have had a lot of milestones in my career and a lot of ups and downs in my career. And you know, there are certain moments which you want to soak it in. And this is that moment. For me, in my entire journey of my entire career, mere jo bhi meri journey hui 1978-79 se leke aaj 2013, and I feel this is the greatest moment of my life. वैसे अनिल का ये शो एक इंटरनेशनल शो से इंस्पायर्ड है। ऐसे में अनिल ने यहाँ मीडिया को बताया कैसे उन्होंने इस शो को इंडियन बनाने की कोशिश की है। आई एम देसी हिंदुस्तानी हूँ मैं तो मैंने अपनी हिंदुस्तानियत और जो हमारी हिंदुस्तान की मिट्टी है जयसिंह राठौड़ में उसमें डालने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उसकी खुशबू मेरे परफॉर्मेंस में आएगी। वैसे इस शो में अनिल के साथ वेटरन एक्टर्स अनुपम खेर और शबाना आजमी भी नजर आने वाली हैं, और इन दोनों एक्टर्स ने यहाँ बताया कि उन्होंने इस शो में काम क्यों किया। शुरू में तो मुझे लगा कि इतनी मेहनत तो मैंने कभी जिंदगी में ही नहीं की, क्योंकि दो दिन में जो अभिनय ने मेरे से काम करवाया सुबह 7 बजे से लेके, तो मैंने कहा मैं कहाँ पर गई, मैं समझी कि हंसते फूलते मैं चल जाऊंगी, और वो भी बहुत मुस्कुरा मुझे, मैं तो चौकी ना, मैं तो चौकी, मैं की हालत हड्डी बसकी थी, मगर मैं बस सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू कीप अप विद द यंग अभिनय नरेटेड मी द माय रोल, आई वाज फ्लोर्ड बाय इट, अलाउड मी, एंड आई हैड जस्ट ताज़ा मैं सिल्वर लाइनिंग से पहले आया था, उसी दिन मैंने आके शूटिंग की थी, तो उसका थोड़ा खुमार था, तो मैंने बड़ी इंटरनेशनल एक्टिंग करने की कोशिश की। Well, शबाना आजमी और अनुपम खेर इस शो को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। साथ ही इस शो को डायरेक्ट कर रहे डायरेक्टर का भी मानना है कि इस शो के लिए हर किसी ने बहुत मेहनत की है। Very difficult. Honestly, it's, you know, difficult shooting, difficult scripting, difficult on every account, because difficult producing. And the reason is that it's such a massive show. Well, we hope Anil Kapoor aur unki team ki ye zabardast mehnat audience ko bhi pasand aa jaye. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai.